नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएल टीच में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी विशिष्ट का जो है पूरा का पूरा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सभी का सॉल्यूशन इस वीडियो में दूंगा मैं। तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। चलिए इसके सॉल्यूशन से ही देखते हैं। मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन सॉल्यूशन बताते जाऊंगा, आप देख सकते हैं। पहला है प्रश्न सही विकल्प, जिसमें दोस्तों पहले का है भ्रम गति, दूसरे दूसरे का है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरे का है अमरकंटक, चौथे का तत्पुरुष और पांचवे का विस्मय। इसके बाद दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आता है, जिसमें है दोस्तों ठीक है उसके आंसर आप देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा चौथा चौथा क्वेश्चन भी देख सकते हैं, इसका आंसर भी आप आसानी से देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों पांचवे क्वेश्चन से, जिसमें पूछा गया था कि सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेयस्कर क्यों माना है। तो इसका आंसर दोस्तों सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेयस्कर इसलिए माना है कि निर्गुण तो रूपरेख गुण जाति से रहित होता है, अतः उसका कोई आधार नहीं होता, जबकि सगुण का आधार होता है। छठवा क्वेश्चन जो था इस पेपर में जो आपसे पूछा गया वो है दोस्तों पीताम्बरधारी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है श्याम बाण पर पीताम्बर धारण किए हुए श्री कृष्ण का सौंदर्य ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सातवा जो सातवा क्वेश्चन आपसे इस एग्जाम पूछा गया था कि रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम एवं उनकी दो दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो पहले हैं दोस्तों केशवदास, ठीक है, ये कृतिकाल के प्रवर्तक कवि हैं। इनकी रचना इस प्रकार है, ठीक है, पहली है दोस्तों कवि प्रिया, रसिक प्रिया और चंद्रिका, ठीक है, केशवदास जी के। उसके बाद है दोस्तों चिंतामणि, इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, और कवि कुल कल्पतरु, पिंगल और काव्य, ठीक है, विवेक। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, भाषा की प्राप्ति किस प्रकार होती है। तो इसका आंसर है दोस्तों भाषा की प्राप्ति हमें परंपरा से होती है, यह भाषा काल प्रवाह में बहती हुई समकालीन संदर्भों को बिखेरती हुए नए और उपादानों को ग्रहण करती हुई आज हमें प्राप्त हुई है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9th, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कहानी और 9th का अथवा का आंसर है दोस्तों उपन्यास और कहानी में कोई दो अंतर लिखिए। तो कहानी और उपन्यास में निम्न अंतर, कहानी जीवन के किसी एक खंड का चित्रण करती है तथा उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। दूसरा आता है दोस्तों कहानी में एक ही कथा होती है, ठीक है, और उपन्यास में लिखेंगे उपन्यास में मुख्य कथा के साथ साथ प्रासंगिक कथाएं भी होती हैं। तीसरा है कहानी का आकार लघु होता है जबकि उपन्यास अपेक्षाकृत बड़े आकार का होता है। 10वां क्वेश्चन आता है दोस्तों, जिसमें जो किताब माई की बगिया का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका आंसर है दोस्तों माई की बगिया नर्मदा के उत्कुंड से थोड़ा ऊपर है, माई की बगिया पहाड़ी ढलान पर है, यह बगिया पहाड़ी को काटकर बनाई गई है। जब एक जलधारा भी प्रवाहित होती है यहाँ पर उनके अनेक मंदिर भी हैं, बगीचे का रूप सुव्यवस्थित नहीं है, यहाँ गुलाब गुलाब काबली के फूल खिले हुए हैं, माई की बगिया ऐतिहासिक तथ्यों की ओर संकेत करती है। दोस्तों नेक्स्ट आता है क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया 11वां का, अथवा द्वंद्व समास के उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो इसमें द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद अथवा सभी पदों की प्रधानता होती है, जैसे जैसे द्वंद्व समास के उदाहरण, ठीक है, धर्मार्थी, माता पिता। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट आता है 12वें का अथवा क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था कि रस की परिभाषा एवं उसके प्रकार लिखिए। दोस्तों PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें दोस्तों रस की परिभाषा, रस रस का शाब्दिक अर्थ आनंद, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है, ठीक है। रस के प्रकार, तो रस के सभी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, दसी रस। उसके बाद आता है नर्मदा और सोन से संबंधित लोक कथा लिखिए। तो संसार में ऐसा प्रचलित है कि सोन और नर्मदा की प्रणय कथा मिथकई सृष्टि है, यह कथा अमरकंटक में ही जन्म लेती है। सोन नदी अपने उद्गम स्थान से सैकड़ों फुट ऊंचाई से गिरती है, इसके विपरीत नर्मदा नदी उच्च कुंड से निकलकर शांत भाव से बहती है। दोस्तों 14वां क्वेश्चन तन का अथवा था, ठीक है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए।
ठीक है, मन के भाव, तो इसका आंसर है दोस्तों मनोभाव, दूसरा निरंतर चलने वाला गतिशील, और तीसरा था महिमा से परिपूर्ण, तो इसे कहेंगे महिमा में। 15वां क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों रस के अंगों का वर्णन कीजिए, जिसमें पहला है रस के, तो इसका आंसर है दोस्तों रस के चार अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो स्थायी भाव में था यह भाव आश्रय के हृदय में स्थायी रूप से वर्तमान रहता है, विद्यमान रहता है, इसकी संख्या 10 है। दूसरा दोस्तों विभाव, स्थायी भाव का जो कारण होता है उसे ही विभाव कहते हैं, इसके दो भेद हैं आलंबन और उद्दीपन। नेक्स्ट है दोस्तों अनुभाव, आश्रय में रस उत्पन्न होने की दशा में जो शारीरिक मानसिक वाचिक चेष्टाओं में परिवर्तन होता है अनुभाव कहलाता है। संचारी भाव, थोड़े समय के लिए उत्पन्न होने वाला भाव संचारी भाव कहलाता है, इनकी संख्या 33 है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16वां, जिसमें आपसे सूरदास जी का जीवन परिचय पूछा गया था, तो आप देख ही सकते हैं, तो उनकी दो रचना लिखनी थी, वो है सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। दोस्तों काव्यगत, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखते हैं भाव पक्ष, ठीक है। परंपरा का विकास, सूरदास ने विद्यापति की गीत परंपरा को विकसित किया है, उनके पद गेय तथा राग रागनी के खरे उतरते हैं। बाल वर्ण, सूर का बाल वर्णन इतना मोहक तथा मधुर है, जिसके आधार पर उन्हें वात्सल रस का सम्राट माना जाता है। तो ये था दोस्तों इनका भाव पक्ष, आप पूरा पढ़ लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख ही सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है कला पक्ष, ठीक है, तो कला पक्ष के बारे में भी पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद दोस्तों शैली पर आ जाते हैं डायरेक्ट, शैली में सूरदास ने मुक्तक शैली में मर्म स्पर्शी काव्य रचना की है, शैली की दृष्टि से गीतों की पद शैली को अपनाया है। और साहित्य में स्थान पर आते हैं दोस्तों सूर गीत काव्य के अमर गायक है, हिंदी ब्रह्म गीत परंपरा के प्रवर्तक तथा उन्नायक, उनकी कुछ रचना विश्व साहित्य की धरोहर है। दोस्तों 17वां क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, लेखक परिचय लिखी है, ठीक है, तो उनकी रचनाएं जो है, सॉरी दोस्तों पेज चेंज हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं उनकी रचनाएं देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम हजारी प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं वो हैं दोस्तों भूमिका, कबीर, और सबसे फेमस इनकी रचना है पृथ्वीराज दास। इनकी भाषा में आते हैं दोस्तों, तो इनकी भाषा जो है दोस्तों कुछ इस प्रकार थी कि भाषा, द्विवेदी जी की भाषा शैली अपनी विशेषता, अपनी रचनाओं के प्रसंग अनुकूल उपयुक्त या तथा सटीक भाषा का प्रयोग है। दोस्तों मैं इसको सभी को पढ़कर नहीं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 18वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जिसमें जो है आप सबको प्रसंग की व्याख्या करनी थी, संदर्भ प्रसंग सहित पद्यांश की व्याख्या करनी थी, तो उसका आंसर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रस्तुत द्वारा बिहारी द्वारा रचित सौंदर्य बोध शीर्षक से लिया गया है, ठीक है। तो मैं आपको ये भी पढ़कर नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि पढ़ने में, आप जो है इसे देख सकते हैं, और इसके PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 21वां क्वेश्चन आया था दोस्तों, साला से शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, तो ये पूरा पत्र लिखा हुआ है, आप इसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों लास्ट वन क्वेश्चन 22वां, ठीक है ना, जिसमें आपको निबंध लिखना था, तो इस PDF में मैंने आपको निबंध भी लिख कर दिया है, आप जो है पूरी पूरी PDF डाउनलोड कर लें, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद जो 22वें का सेकंड क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको जो है रूपरेखा लिखनी थी, तो यहाँ पर रूपरेखा मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें पहली थी दोस्तों प्रस्तावना, दूसरा पुस्तकों का उपयोग, तीसरा ग्रंथालय मनोरंजन का साधन, और उपसंहार। तो बस यही थे दोस्तों इस वीडियो के लिए, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।